नमस्कार दोस्तों, सीफेयरर्स IBExam.in में आप लोगों को स्वागत है। दादा चौधरी का नमस्कार और मेरा साथियों, मेरा दोस्त जो IV में सर्विस कर रहा है, जिन लोगों ने बहुत तकलीफ निकाल के मेरा भाइयों महीना का महीना घर द्वार परिवार छोड़ के आप लोग कोई पार्ट्स, कोई ट्विंग टाग, कोई पायलट वेसल, कोई गवर्नमेंट का, सेमी गवर्नमेंट का वेसल के ऊपर में सर्विस दे रहा है और आपका परिवार को चलाता है। मन में ये भी सुप्त इच्छा है कि आप लोग एग्जाम देके कुछ प्रमोशनल जो फर्स्ट क्लास है वो इंजीनियर में जाए, कोई सेकंड क्लास है तो फर्स्ट क्लास में जाए, तो ये इच्छा मन में रहता है। तो मेरा वादा है कि मेरा वीडियो आप लोग देखते रहना, उत्साह देते रहना, प्रोत्साहन करते रहना, लाइक शेयर जरूर करना और आपका दोस्त लोग को भी बताते रहना, सब्सक्राइब करके रखिए। तो जैसे जैसे मैं मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, वीडियो डालेगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आस्ते आस्ते मैंने फर्स्ट क्लास का, इंजीनियर का, सेकंड क्लास का जो सैम्पल क्वेश्चन है वो भी मैं बताते रहूँगा और उसको साथ साथ जो मेरा खुद का जो तजुर्बा है, मेरा जो 35-40 ईयर का जो सर्विस का अनुभव है वो भी मैं शेयर करते रहूँगा। मेरा ये वादा है कि आप लोग अगर वीडियो देखते देखते कोई भी कैंडिडेट, मेरा साथी, मेरा भाइयों अगर पास हो जाए तो इतना ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, मेरा उपहार है जो मुझे मिला है। तो मेरा जो वीडियो मैं कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं अच्छा संदेश पहुँचा सके। आज मैं फर्स्ट क्लास ड्राइवर का लिए जो एग्जाम में बैठा है, जो लोग जो सैंपल क्वेश्चन है उनका लिए, उससे मैं थोड़ा सा एक छोटा पार्ट आप लोग को बताते रहूँगा। जो बात अच्छा है, नेम 5 पॉइंट व्हिच यू विल चेक व्हेन ए पंप इज रनिंग। जो पंप, सी वाटर पंप हो, फ्रेश वाटर पंप हो, बिलजेस पंप हो, जीएस पंप हो, कौन सा भी पंप जब चालू रहता है, वो पाम का रनिंग का आपको क्या चेक करते रहेगा, आप क्या करते रहेगा। आपको इंजनों में ड्यूटी है तो कुछ ना कुछ तो ड्यूटी है, पाम चालू है, मेन इंजन चालू है, अगर मेन इंजन चालू है तो आप क्या करते रहेगा, पाम चालू है तो आप क्या करते रहेगा, कुछ ना कुछ तो काम है, क्या कुर्सी पकड़ के एक जगह पर बैठ के रहेगा। आप ड्राइवर हैं, एक जिम्मेदारी आदमी है,
आपका हाथ में कोई भी कंपनी या तो गवर्नमेंट आपको देख के दिया है, वो जहाज आपको चलाने का लिए अथॉरिटी दिया है, आपको सर्टिफिकेट देख के दिया है, तो आपको कोई जिम्मेदारी बांधता है, तो आप क्या चेक करेगा? पहले नंबर ये है सैक्शन प्लस डिलीवरी जो भाल है वो फुल्ली ओपन है क्या नहीं है वो चेक करके, अगर चालू है तभी एक दफ़े हाथ मार के चेक करके देखेगा जो उसको बराबर है क्या नहीं है। दूसरा उसको जो प्राइमिंग वाटर जो प्राइमिंग किया था उधर से थोड़ा सा भी कॉक खोल के देख लेगा ऐसा जो पानी ऊपर आता है क्या नहीं आता है, मतलब इसके लिए पानी चालू है। जो पाम का जो प्रेशर गेज है गेज भी मैं देखते रहेगा और ग्लैंड जो है पाम का ग्लैंड से एक एक थेम अगर पानी पड़ता है तो बहुत अच्छा है, अगर पानी नहीं पड़ता है तो बियरिंग वहाँ पे हाथ लगा के देखेगा वो गर्म होता है क्या नहीं है पाम का, क्या क्या देखने का, चार पांच तो हो गया तो ग्लैंड उसको देखने का, पानी पड़ता है क्या नहीं है, तो अगर ज़्यादा पानी पड़ता है वो भी अच्छा नहीं है, जो है वो एक एक थेम 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 पानी पड़ेगा तो ठीक है वो जो, और दूसरा जो पाम का गर्म होता है क्या नहीं है बियरिंग वो देखेगा, प्राइमिंग का वाटर बराबर गेज आता है गेज तक वाटर बाहर पड़ता है क्या नहीं वो देखेगा, डिलीवरी डिस्चार्ज होता है बराबर क्या नहीं वो देखेगा, पाम का प्रेशर गेज चेक करेगा, तो ये हमारा रनिंग का जो है वो काम है। अभी आप जब बंकरिंग लेता है लिस्ट 5 प्रिकॉशन यू विल टेक व्हाइल बंकरिंग अ शिप, जब आप बंकर लेता है बंकर लेने का टाइम में आप क्या क्या प्रिकॉशन लेगा, आपका काम क्या है? बंकरिंग लेता है बंकरिंग आ गया तो पानी का जैसा क्या बंकर डाल के निकल जाएगा, यह है क्या कुछ आप उसको प्रिकॉशन लेगा बंकरिंग के लिए? यस, आपका प्रिकॉशन लेना जरूरी है। तो बंकरिंग के लिए क्या करेगा जो आप क्या प्रिकॉशन लेगा, नो स्मोकिंग नोटिस, रेड फ्लैग रेड लाइट एट व्हील हाउस टॉप में मास्ट में रेड लाइट, प्रॉपर साउंडिंग इमरजेंसी प्रोसीड्योर इन केस ऑयल स्पिलिंग। तो क्या करने का, हमारा पहले हमारा जो साउंडिंग है वो बराबर ले लेगा, हमारा आदमी लोग जो है उसको बता देगा, जो टैंकर आया है और टैंकर का भी साउंडिंग ले लेगा, जो एक रात थोड़ा शाम हो जाएगा तो मैं मास्ट में एक रेड लाइट लगा देगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ उधर रेड लाइट मतलब डेंजरस है, हमारा आदमी लोग को खड़ा रख दिया कहाँ पे भी थोड़ा सा भी मामूली भी लीकेज नहीं होना मांगता, जो ऑयल स्पिलिंग के लिए ऑयल स्पिल नहीं होना मांगता कहाँ पे भी, और दूसरा साउंडिंग बीच बीच में चेक करते रहेगा और नो स्मोकिंग बोर्ड लगा देगा, एक रेड दिन में रहेगा तो फ्लैग भी लगा देगा, ये मैं प्रिकॉशन बंकरिंग का टाइम ले लेगा। तीसरा है एक्सप्लेन इन टू लाइन्स व्हाई ब्लास्टिंग इज रिक्वायर, जो ब्लास्टिंग रिक्वायर काय के लिए जरूरत है। पहले तो बात है जो बैलेस्ट का जो टैंक रहता है वो क्यों रहता है, जहाज में बैलेस्ट टैंक किसके लिए रहता है, उसको जो जी है ग्रेविटी है वो में ग्रेविटी नहीं डाउन होना मांगता, ग्रेविटी बराबर रहना मांगता, उसका स्टेबिलिटी बराबर रहना मांगता, उसको किधर भी चाड़ा टेढ़ा नहीं रहना मांगता, वो पानी भर के टैंक में लेवलिंग रखता है, तो बराबर हम परफेक्ट लोड ले सकता है। जो इसके लिए बैलिस्टिंग रिक्वायर क्यों होता है, अ शिप टू इंक्रीज स्टेबिलिटी व्हेन शिप कमिंग एट नाइट प्रॉपर हैवी लोड और एम्प्टी,
जब वो लोड लेता है या तो खाली हो जाता है। तो बैलेस्टिंग का जरूरी ये होता है कि जब लोड लेता है उसको प्रॉपर उसको स्टेबिलिटी बराबर रहना मांगता है जहाज़ का स्टेबिलिटी, नहीं तो जहाज एक साइड में आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, सहाड़ा हो जाएगा। तो जहाज आड़ा नहीं होना मांगता, जहाज का सेम लेवल स्टेबिलिटी बराबर। स्टेबिलिटी के लिए टैंक में पानी भर के रखता है, अगर स्टेबिलिटी जब जैसे जैसे लोड लेता है कौन सा पानी खाली करना मांगता है वो बैलेस्टिंग होता है, वो बैलेस्टिंग वाटर। तो ये बैलेस्टिंग क्यों जरूरी है, जो उसको लोड लेते टाइम में खाली होना मांगता, जहाज का पानी में खाली करके करके उसको स्टेबिलिटी बराबर करना मांगता लोड लेते टाइम या तो लोड अनलोड करते टाइम, इसके लिए बैलेस्टिंग का जरूरी। अभी अनलोड करते करते एक साइड हो गया, जिस साइड में हो गया दूसरे साइड में पानी भर गया तो फिर लेवल हो जाएगा, इसके लिए वो बैलेस्टिंग का ये जरूरी है। चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन टू लाइन्स व्हाई लुब्रिकेशन इज रिक्वायर इन मशीनरी। जो मशीनरी जो चालू रहता है, इंजन चालू होता है, इंजन चालू रहता है, हर बार जनरेटर चालू होता है, जनरेटर इंजन चालू रहता है, तो उसके लिए लूब ऑयल का क्या जरूरत है, क्यों लूब ऑयल, उसमें पानी डाल दो चला जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, लूब ऑयल क्यों जरूरत है। यस, लूब ऑयल का जरूरत इसके लिए होता है जो रिड्यूस फ्रिक्शन एंड हीट फ्लेम बिटवीन सॉलिड सरफेस। जो कुछ सॉलिड सरफेस अगर ऐसा ऐसा घसता है तो घिस जाएगा, कुछ भी सॉलिड सरफेस अगर वो घसते रहेगा तो वो घिस जाएगा। तो खाते खाते घिस जाते, घिसते 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 उसको क्लियरेंस हो जाएगा, तो फिर और ज़्यादा घिस के उसने उधर वो जल जाएगा एक दिन। तो इसके लिए वो लूब ऑयल का ज़रूरत है। जो लूब ऑयल एक तो हीट रिड्यूस करता है, जो हीट है हीट रिड्यूस करता है, और उसको क्या करता है वो जो जितना फ्लेम का जैसा जो है फ्लेम बनाता है, जो दो सॉलिड सरफेस जो है दोनों जो पार्ट है दोनों पार्ट का बीच में एक फिल्म का जैसा कोटेड बना लेता है फिल्म, और वो कोटेड के ऊपर जैसा बियरिंग और क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट जैसा घूमता है जैसा, वो बियरिंग के अंदर एक कोटिंग हो गया, तो बियरिंग में नहीं टच होता है, कोटिंग के अंदर में वो घूमता है। इसके लिए लूब ऑयल का जो प्रेशर है वो आप लोग दिमाग में रखना पड़ता है, जो प्रेशर इतना कम हो गया नहीं चलाने का इंजन, एक से ज़्यादा हो गया ज़्यादा कम हो गया, 4 kg प्रेशर रहता है लेकिन 4 kg से कमते 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 कम होते जा रहा है, क्यों कम हो रहा है वो पहले सोचो, पहले सोचने का नहीं, इतना कम होने को देने का नहीं। तो इसके लिए वो फ्लेम बनाने का काम आता है, फ्लेम बनाता है, दोनों सॉलिड सरफेस है जो खाता नहीं, इसके लिए वो लूब ऑयल का काम में आता है, जो कूलिंग का काम में आता है। दूसरा हीट रिड्यूस करता है, जो हीट है वो रिड्यूस हीट रिड्यूस करता है, और फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन नहीं होने देता है, फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस करता है, वो फ्रिक्शन नहीं होने देता है। तो दूसरा नेम 4 types ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल व्हिच आर यूज ऑन शिप मशीनरी। अभी जहाज का जितना मशीनरी है या तो लॉन्च है या तो कुछ भी है या तो बार्ज है, वो मशीनरी में जो ऑयल आता है उसको टाइप कम से कम 4 types इन 4 types ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो उसमें 4 types ऑफ लुब्रिकेटिंग में क्या क्या है, एक मिनरल ऑयल आता है, एक हाइड्रोलिक ऑयल आता है, एक सिंथेटिक बायोबेस ऑयल आता है, सिंथेटिक ऑयल आता है, बायोबेस ऑयल आता है, और कंप्रेसर ऑयल आता है। क्या क्या हो गया, मिनरल, हाइड्रोलिक ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, बायोबेस ऑयल और कंप्रेशन ऑयल। अभी ये जो 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 ऑयल है ये ऑयल कब किधर लगता है वो मैं अलग एक वीडियो में बता दूंगा। तो आज इतना ही है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना।
तो दादा चौधरी का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये भी बताते रहना। मेरा नंबर है 9819631432। तो आज इतना तक है, थैंक यू।